आपसे पूछ लेता हूँ तो मुझे भी ख्याल में आ जाएगा कि विषय आपको क्लियर हुआ है
या नहीं हुआ? पहला प्रश्न है, पंच परमेश की किन्हें कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेश्वर कहते हैं। प्रश्न में सामने पूछ रहा हूँ लेकिन उत्तर वो व्यक्ति बताना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो आई क्या है, जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेश्वर कहते हैं। अनंत और सिद्ध परमेश्वरों का स्वरूप बतलाइए एवं उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको शॉर्ट में अपन करते हैं। पहले अनंत परमेश्वर का स्वरूप कौन बताएगा? देखकर नहीं, बिना देखकर। स्वभाव साधन द्वारा आगे चार भारतीय कर्म नाश होते हैं तो क्या प्रकट होते हैं? चार अनंत सच्चे प्रकट होते हैं, उन्हें अनंत परमेश्वर की कहते हैं। कितने मूल गुण है उनके? 40 मूल गुण। चलिए, सिद्ध परमेश्वर का स्वरूप पुरुष वर्ग में से कोई कोशिश करके देखे, जितना समझ में आया हो, जितना सिद्ध भगवान के बारे में हम जानते हैं। चार घाती कर्मों का नाश, घाती कर्मों का नाश होने वाला बहुत बढ़िया। और कोई ट्राई करना चाहेगा? जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर निज स्वभाव साधन के द्वारा आठों कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को, आठ गुण प्रकट जिनके हो गए हैं वो सिद्ध अवस्था को। चलिए, कुछ और विशेषताएं रह गई हैं सिद्ध भगवान की, उनका आकार कैसा होता है? पुरुषाकार। किंचित न्यून पुरुषाकार कहाँ जाकर विराजमान होते हैं? लोक के अग्र भाग में जाकर विराजमान। कितने कर्मों का अभाव हुआ है? आठ। अनंत कर्मों का, अनंत गुण प्रकट है। कितने कर्मों का अभाव हुआ है? आठ। चलिए, आठ, और मैं संख्या कम कर दूं तो चार से भी कम कर दूं तो नहीं, आपको भी पता है तीन कर्मों का अभाव हुआ है। कौन द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म। द्रव्य कर्म में आठ ही कर्म शामिल हो गए, ठीक है? तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म अर्थात मोह राग और द्वेष। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म, इन तीनों का अभाव होने से समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट गया है, इसलिए वे कैसे हो गए हैं? पूर्ण मुक्त हो गए हैं, माने किसी भी चीज का बंधन नहीं है। संसार दशा में है तब तक तो हमें बहुत सारे बंधन रहते हैं, घर गृहस्थी के बंधन रहते हैं, माता पिता की जिम्मेदारियां रहती हैं, पति पत्नी की जिम्मेदारियां रहती हैं, माने इतने सारे बंधनों में बंधे हुए हैं। लेकिन सिद्ध भगवान सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए, ठीक है? तो ये अनंत और सिद्ध भगवान का स्वरूप हुआ। अब उनका अंतर स्पष्ट करना है, अनंत और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? सब एक एक करके एक एक अंतर सभी बताते हैं, बहुत सारे अंतर हैं, सबको मौका मिल सकता है, इतने अंतर हैं। चलिए, हाँ, सबसे पहला बहुत बढ़िया, अनंत भगवान शरीर सहित होते हैं और सिद्ध भगवान शरीर से रहित होते हैं। यहाँ से कोई दूसरा अंतर? बहुत सारे अंतर हैं अनंत और सिद्ध भगवान में, कोई सा भी एक अंतर जो ख्याल में हो। कितने कर्मों का अभाव हुआ है अनंत भगवान के? चार भारतीय कर्मों का, और सिद्ध भगवान के आठों कर्मों का अभाव हुआ, ठीक है? तीसरा अंतर,
कितने मूल गुण होते हैं? अनंत भगवान के 40 मूल गुण होते हैं और सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण होते हैं। और कोई अंतर? बहुत बढ़िया। अनंत भगवान अभी संसारी है और सिद्ध भगवान पूर्ण मुक्त गुण हो गए। चलिए और कोई अंतर? बहुत बढ़िया। अनंत भगवान की वाणी कीर्ति है और सिद्ध भगवान की वाणी नहीं कीर्ति है। अनंत भगवान अष्टप्रातिहार आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, सिद्ध भगवान किसी भी प्रकार की विभूतियों से युक्त नहीं। अनंत भगवान के अभी द्रव कर्म भी है और नौ कर्म भी है, लेकिन सिद्ध भगवान के तीनों ही प्रकार के कर्मों का अभाव हो गया। इस तरह से बहुत सारे अंतर हम अनंत और सिद्ध भगवान में देख सकते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न। सामान्य से साधनों का स्वरूप बताकर आचार्य साधनों और उपाध्याय साधनों का स्वरूप बतलाइए। तो आचार्य उपाध्याय साधु कर्मिष्टि का सामान्य स्वरूप क्या है? जो विरागी होकर समस्त परिग्रह निस्वार्थ त्याग करके निष्काम साधन में रहते हैं। अच्छा चलिए, मैं जो प्रश्न पूछता हूँ आप उनका उत्तर देते जाइए कि जो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि वे घर गृहस्थी में रहते हैं या घर गृहस्थी से दूर रहते हैं? दूर रहते हैं। घर गृहस्थी से तो दूर रहते हैं, लेकिन उनके प्रति जो एकत्व महत्व है उसको भी छोड़ दिया है या वो साथ में रहते हैं? उसको भी छोड़ दिया है। तो फिर जंगल में जाके रहते तो फिर वहाँ क्या कार्य करते हैं? कि अपने आत्मा में ही लीन रहते हैं, शुद्धोपयोग अंतरण में शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप अनुभव करते हैं। चाहे शुद्धोपयोग कहे, मतलब बहुत सारी शब्द हम कह सकते हैं, लेकिन मुख्य कार्य उनका क्या है? अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं। और कदाचित उपयोग अपने स्वरूप में नहीं दिख सके तो क्या करते हैं? पठन पाठ करते हैं, उपदेश देते हैं, आचार परमेश्वर की अपेक्षा देते तो दीक्षा देते हैं, किसी के लिए कोई दोष हुए हो तो प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, उपाध्याय परमेश्वर की अपेक्षा देके तो स्वयं पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, अन्य साधुओं की अपेक्षा देखे तो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ज्ञान और ध्यान में ही लवलीन रहते हैं। ये कार्य तो करते हैं, लेकिन ये जो शुभ भाव है, शुभ क्रिया है, इनको भी कैसा मानते हैं? मानते हैं, ठीक है। मुख्य कार्य तो आत्म स्वरूप में लीन रहना है, और कदाचित आत्म स्वरूप में लीन नहीं रह पाते हैं तो उपयोग बाहर में आता है। तो उपयोग बाहर में आएगा तो दो रास्ते जा सकता है, या तो मूवी की ओर जा सकते हैं या तो मंदिर की ओर जा सकते हैं। तो मुनिराज कहाँ पे जाएंगे? उनकी अपेक्षा देखा जाए तो वे या तो स्वाध्याय करेंगे, पठन पाठन करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, दीक्षा देने का कार्य हो तो दीक्षा देंगे, उपदेश देंगे, ये उनके शुभ कार्य है, ठीक है। लेकिन अशुभ का तो अस्तित्व ही नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सांसारिक प्रपंचों में नहीं उलझते हैं, माने बाहर की जो अशुभ प्रवृत्तियां हैं उनसे तो दूर रहते हैं, और जो शुभ प्रवृत्तियां हैं उनमें भी उनकी ही बुद्धि है, करने लायक है ऐसा मान करके वे ये कार्य नहीं करते। तो ऐसा आचरण करने वाले आचार उपाध्याय और साधु परमेष्टि होते हैं, ठीक है। विषय क्लियर है पूरा? चलिए एक अंतिम प्रश्न मैं और यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि पंच परमेष्टि पूज्य क्यों है? अधूरा उत्तर। दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वीतराग और विज्ञानमय होने का। पंच परमेष्टि
वीतराग और विज्ञान में है। वीतराग अर्थात राग द्वेष से रहित है और विज्ञान अर्थात केवल ज्ञान में है। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है कि अनंत सिद्ध भगवान तो केवल ज्ञान में है लेकिन बाकी के तीन परमेश उन्हें तो केवल ज्ञान नहीं हुआ है, भावना तो फिर हम भी भाते हैं, तो फिर हम भी पूज्य हो गए क्या? तो फिर विज्ञान में तो नहीं है ना, शर्त तो दोनों पूरी होनी चाहिए। कल समाधान आया था इसका कि अनंत सिद्ध भगवान विज्ञानमय है अर्थात केवल ज्ञान से युक्त है इसलिए भी विज्ञानमय है, और आचार्य उपाध्याय साधन परमेश्वर सम्यक ज्ञान से युक्त है इसलिए वे भी विज्ञानमय है, क्योंकि केवल ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान की पूर्णता ही केवल ज्ञान है। तो आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर एक सम्यक ज्ञान से युक्त है इसलिए वे भी विज्ञानमय है। एक देश वीतरागता प्रकट है और विज्ञानता प्रकट है इसलिए वे भी पूज्य है। ठीक है, चलिए अब अगला जो पाठ है श्रावक के अष्ट मूल उसकी ओर अपन चलते हैं। पाठ तीसरा प्रश्न क्रमांक 11 श्रावक के अष्ट मूल गुण। यहाँ पे श्रावक के अष्ट मूल गुणों की चर्चा की जा रही है। श्रावक कौन कहलाता है? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान वह श्रावक कहलाते हैं। तो हम और आप श्रावक हैं या नहीं या इसका निर्णय आप स्वयं करें। यदि आपको जिनागम पे श्रद्धा है, सच्चे विकारी भगवंतों पे श्रद्धा है, सात तत्व छह द्रव्य इन पे श्रद्धा है, आत्म स्वरूप में श्रद्धा है, तो हम कौन है? श्रावक है। अन्यथा इसी तरह विवेकवान कि हम विवेकवान है या नहीं, कोई भी कार्य करने से पहले हम इतना विवेक रखते हैं या नहीं रखते हैं कि इसमें हिंसा तो नहीं होगी, माने हर छोटे से छोटा कार्य करने से पहले मैं ये कार्य क्यों करता हूँ इसका विवेक हम धारण करते हैं या नहीं करते हैं। और क्रियावान कि मात्र ज्ञान का ही विषय नहीं बनाते हैं लेकिन उसको अपने आचरण में भी लाते हैं। तो जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो वे श्रावक कहलाते हैं, और ऐसे श्रावकों के आठ मूल गुण जिनागम में कहे गए। आठ मूल गुण अर्थात मूल गुण किसे कहते हैं? अच्छा मूल किसे कहते हैं? जड़ को। जड़ को, किसी भी पेड़ की जड़ होती है, यदि वो जड़ को हटा दिया जाए तो पेड़ टिका रह सकता है? नहीं। घर की नींव ना हो तो घर टिका रह सकता है? ऐसे ही हमारे जैनत्व के श्रावक बने के ये आठ मूल गुण है, मानिए हमारे जैनत्व के आधार है। यदि ये आठ मूल गुण हमारे जीवन में नहीं है फिर जैन साहब कहलाने योग्य हम नहीं है, श्रावक कहलाने योग्य हम नहीं, क्योंकि इनके बिना वो जैनत्व का आधार वो टिका नहीं रहता। देखिए श्रावक के अष्ट मूल गुण क्यों भाई इस शीशी में क्या है? प्रभु पूछता है सुबोध से, इस शीशी में क्या था? सुबोध कहता है शहद है। क्यों? बैजी ने दवाई दी थी और कहा था कि शहद या चीनी अर्थात शक्कर की चाशनी में खाना, अतः बाजार से शहद लाया हूं। दो दोस्तों में आपस में वार्तालाप चल रही है, तो प्रभु पूछता है तो क्या तुम शहद खाते हो? मालूम नहीं, यह तो महान अपवित्र पदार्थ है, मधुमक्खियों का मल है और बहुत से त्रस जीवों के घात से उत्पन्न है, इसे कदापि नहीं खाना चाहिए। आइए जब अष्टमूल की चर्चा आई तो उसमें मधु त्याग इस तरह का एक मूल गुण माने शहद का त्याग होना, जो श्रावक है तो शहद का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्या लिखा कि यह तो महान अपवित्र पदार्थ है,
मधुमक्खियों का मल है और बहुत से त्रस जीवों के घात से उत्पन्न है। माने कैसा पदार्थ है ये? महा अपवित्र पदार्थ है। जो मधुमक्खी का छत्ता है वो क्या है वास्तव में? उनका घर ही तो है। जितनी मधुमक्खियां हैं उन सबका वो घर है। और घर में क्या किया जाता है? सारी चीजें की जाती है। मल मूत्र का विसर्जन भी उस घर में ही होता है। जो मधुमक्खियों का मल मूत्र है वह सब भी वो छत्ते में ही होता है। और जो छत्ता बनाते हैं, जो रस जूस चूस कर लाते हैं, फूलों से लाते हैं और फिर वो उस छत्ते में आकर के छोड़ते करते हैं, तो वो भी उनकी घुटन ही। माने हर तरह से देखा जाए तो महा अपवित्र पदार्थ है। कोई कहे कि चलो इससे तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अनेकों रस जीवों के घात से उत्पन्न होने वाला पदार्थ है। जब उस छत्ते को तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, तो उसमें उस सब जो मधुमक्खियां हैं वो उसी में जलकर मर जाती है। माने उन सभी की जो रस जीव है उनका घात उस छत्ते में हो जाता। माने इतनी हिंसात्मक प्रक्रिया है वो शहद को प्राप्त करने की। इसलिए यहाँ लिखा कि यह तो महान अपवित्र पदार्थ है, मधुमक्खियों का मल है और बहुत से त्रस जीवों के घात से उत्पन्न है। इसे कदापि नहीं खाना चाहिए। कि बहुत मीठा लगता है तो भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनेकों अनेक त्रस जीवों के घात से उत्पन्न होने वाला है और महा अपवित्र पदार्थ छूने योग्य भी नहीं। भाई हम तो साधारण श्रावक है, कोई व्रती थोड़ी ही है। ये प्रश्न हम सबका रहता है, ये तर्क हम सबका तर्क रहता है कि अरे हम कोई व्रती थोड़ी ना हो गए हैं, कोई व्रत नियम थोड़ी ना पाल लिए हैं, सामान्य श्रावक ही तो है। तो उसका भी ये तर्क है कि भाई कोई व्रत थोड़ी ना हमने धारण कर लिए है, कोई ब्रह्मचर्य थोड़ी ना धारण कर लिया है, सामान्य श्रावक ही तो है। प्रभु क्या कहता है? साधारण श्रावक भी अष्ट मूल गुण का धारी और सप्त व्यसन का त्यागी होता है। मधु शहद का त्याग अष्ट मूल गुणों में आता है। ध्यान देना, ये अष्ट मूल गुण कोई नियम नहीं है। नियम तो आप अलग से लेते हैं। ये किसकी चर्चा चल रही है? ये अष्ट मूल गुणों की चर्चा चल रही है। मानी ये मूल गुण के संस्कार तो जब बालक पैदा होता है तभी से वो संस्कार वो बालक में डालने शुरू कर दिए जाते हैं। मानी ये कोई ऐसे नियम नहीं है जो हमें अलग से लेना हो, ये हमारा जीवन होना चाहिए। ये आठ मूल गुण वे गुण है जिनसे हम जैनी कहलाते हैं, जिनसे हम श्रावक कहलाते हैं। तो साधारण श्रावक भी अष्ट मूल गुण का धारी और सप्त व्यसन का त्यागी होता है। माने सामान्य श्रावक जहाँ किसी ने कोई व्रत धारण ना किए हो, कोई नियम ना लिया हो, तो भी ये अष्ट मूल गुण का पालन उनके जीवन में होता ही है। तो अष्ट मूल गुण के धारी और सप्त व्यसन के त्यागी होते। मधु शहद का त्याग अष्ट मूल गुणों में आता है। मूल गुण किसे कहते हैं और अष्ट मूल गुण में क्या क्या आता है? देखिए, निश्चय से तो समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता ही मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण है। क्या मूल गुण है? जैसे मुनिराज के संदर्भ में हमने देखा, उनका मुख्य कारण तो क्या है कि आत्म स्वरूप में ही लीन रहना, ये उनका मुख्य कारण। उसी तरह श्रावकों का भी मूल गुण क्या है, करने योग्य कार्य क्या है? कि समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता ही मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण है। मुमुक्षु श्रावक अर्थात श्रावक दो प्रकार के हैं। अरे श्रावक दो प्रकार के नहीं, मोक्षु अर्थात जिनको मोक्ष जाने की इच्छा है वे सब मोक्षु हैं।
तो यदि आपको मोक्ष जाने की इच्छा है, यदि आपको अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने की इच्छा है, तो आठ मूल गुण का पालन हमारे जीवन में होना चाहिए। और जो इन आठ मूल गुणों का पालन करते हैं, तो सबसे प्रथम मूल गुण क्या है कि समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटा करके अपने आत्म स्वरूप में श्रद्धा होना, ज्ञान होना और उसमें लीनता होना कि मैं जीव हूँ, शरीर नहीं हूँ, ऐसा श्रद्धान होना। कि मूल गुण की चर्चा चल रही है, मूल गुण अर्थात जो श्रावक के मूल बेसिक गुण है, जो नींव है हमारी, जो अपने आत्म स्वरूप की श्रद्धान होना। ये शरीर में नहीं पर द्रव्यों का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ये हमारे बेसिक गुण है कि उसका श्रद्धान होना, ज्ञान होना और लीनता ही मुक्षु श्रावक के मूल गुण। पर व्यवहार से मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और पंच उदंबर फलों के त्याग को अष्ट मूल गुण कहते हैं। कि इनको अष्ट मूल गुण क्यों कहा गया कि यदि जीव का मूल गुण आत्मा में लीनता करना है, तो फिर इनको मूल गुण क्यों कहते हो? क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं, ये आत्म साधना में सहकारी है, इसलिए इनको भी मूल गुण कहा गया है। कोई व्यक्ति हो और वो बहुत हिंसा करता हो, तो वो आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता है। हिंसा आत्म स्वरूप में स्थिर होने में बाधक है। तो जो अहिंसक प्रवृत्ति है वो साधक है, साधक है अर्थात बाधक नहीं बनती है, यही उसका साधन बना है, इसलिए उनको मूल गुण की कैटेगरी में रखा गया। कोई जीव मांस भक्षण करे, मधु शहद का भक्षण करे, हिंसामय कार्य करे, तो आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता है। इसीलिए ये आठ मूल गुणों की चर्चा के आरंभ में की गई है। ये व्यवहार से भी मूल गुणों का नाम इसलिए पाते हैं क्योंकि वो निश्चय मूल गुणों की प्राप्ति में सहायक है। यदि निश्चय मूल गुणों की प्राप्ति में सहायक ना हो, तो ये आठ मूल गुण ही मूल गुण नाम नहीं पाए। ठीक है, चलिए। मधु त्याग तो शहद के त्याग को कहते हैं, ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो मधु त्याग है, शहद का त्याग हमारे जीवन में होना चाहिए। पर मध्य त्याग किसे कहते हैं? देखिए, शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग करना मध्य त्याग है। यह पदार्थों को सड़ा गलाकर बनाई जाती है, अतः इसके सेवन से लाखों जीवों का घात होता है तथा नशा उत्पन्न करने के कारण विवेक समाप्त होकर आदमी पागल सा हो जाता है, अतः इसका त्याग करना भी अति आवश्यक है। जैसे कभी शराबी व्यक्ति को देखा हो, यहाँ वह भटकता रहता है, कोई सुध नहीं रहती है, अपने स्वरूप का ख्याल नहीं रहता है, कहाँ मेरा घर है, कौन मेरी माता है, कौन पत्नी है, माने किसी भी चीज का भान नहीं रहता, एकदम पागल सा हो जाता है। तो इसीलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो इनसे नशा होता है और नशे में अपने स्वरूप का अवबोध, अपने स्वरूप का बोध नहीं रहता है, अपने स्वरूप से हम भटक जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले नशा कारक होने से वह सेवन करने योग्य नहीं। दूसरी बात, जो नशा कारक पदार्थ है वह उनकी बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही हिंसक है, अनेकों त्रस्त जीवों का घात होकर के वो नशा कारक पदार्थ बनते हैं। लोक में तो ऐसा कहा जाता है कि जितनी पुरानी हो शराब उतनी अच्छी होती, उतना वो नशा कारक होती है। जितनी पुरानी हो मतलब जितनी सड़ी गली हो वो उतनी नशा कारक होती, उसमें और उतनी मादकता आती है, और जितनी सड़ी गली होगी उसमें उतनी अधिक त्रस्त जीवों का घात होता है। तो नशा उत्पन्न करने करते हैं, बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत हिंसकमय होती है और उसका सेवन करके जीव पागल सा हो जाता है, इसलिए नशा कारक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।
शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग करना मध्य त्याग है। तो इसमें शराब आदि जितने भी नशा कारक पदार्थ हैं, वे सब इसमें शामिल हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब इनका सेवन तो हम नहीं करते हैं, लेकिन आज और नए नए नशे भी पैदा हो गए हैं। टीवी का नशा है, मोबाइल का नशा है, आपस में इधर उधर की बातें करने का वो भी एक नशा होता है। माने यदि कोई व्यक्ति दो चार बातें यहाँ से वहां ना करे तो उसका दिन ही नहीं बनता है, वो बाद में वो पेट में वो बात बचती ही नहीं। ये भी एक प्रकार का नशा है। माने जिस किसी वस्तु की हमें आदत है वो सब नशा है। तो मध्य त्याग का बात करके माने जितने भी हमें नशा उत्पन्न करने वाली चीजें हैं कि मध्य का सेवन तो हम नहीं करते, अन्य जो नशा कारक पदार्थ है उनका सेवन तो नहीं करते, पर अन्य जिन चीजों की हमें लत लगी हुई है उनका त्याग भी हमें करना चाहिए। माने ये अष्ट मूल गुणों की जो चर्चा है ये तो आचार्य ने आज से कितने वर्षों पहले की है। यदि आज के समय में वो अष्ट मूल गुणों की चर्चा की जाती तो इन सारी चीजों का भी वर्णन हो सकता है। ये नए नशे उत्पन्न हुए इस जमाने में, नए उत्पन्न हुए तो इस समय में यदि लिखे जाते अष्ट मूल गुण तो इन सबकी चर्चा भी आती। लेकिन संक्षिप्त में जो यहाँ पे नशा कारक पदार्थों के त्याग की बात की तो उससे हमें इतना और समझना चाहिए कि जिन जिन पदार्थों का हमें नशा है, जिन जिन पदार्थों के सेवन करने की हमें आदत लग चुकी है कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, तो वो भी नशा कारक के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि ये सारी चीजें अपने से दूर ले जाने वाली चीजें, जिस तरह शराब आदि अपने स्वरूप से दूर ले जाने वाली चीजें हैं, इसी तरह अन्य जगत में हमें जिन भी चीज का नशा है, आदत है, वो भी हमें अपने स्वरूप से दूर ले जाने का ही काम करती। शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग करना मध्य त्याग है। यह पदार्थों को सड़ा गलाकर बनाई जाती है। तो सबसे पहले तो एक सड़ी गली चीज है, और सड़ी गली चीज का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अतः इसके सेवन से लाखों जीवों का घात होता है तथा नशा उत्पन्न करने के कारण विवेक समाप्त हो जाता है और आदमी पागल सा हो जाता है। अतः इसका त्याग करना भी अति आवश्यक है। और मांस त्याग क्यों आवश्यक है? देखिए, त्रस जीवों के घात हिंसा बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती है। माने मांस भक्षण किसे कहा जाएगा? तो जब मांसाहारी प्राणियों का सेवन हो, मांस का सेवन हो, वो मांस त्रस जीवों के घात बिना संभव नहीं। कोई पूछे कि आप भी तो सेवन करते हो, एक इंद्री आदि का सेवन तो हम भी करते हैं ना, दाल बना दाल खाते हैं, तो दाल कहाँ से आए? एक इंद्री जीव से तो आई है, तो फिर आप भी तो मांसाहारी हुए। मांस किसे कहा जाता है? दो इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रियों के जो मृत कलेवर है वे मांस कहलाते हैं। एक इंद्रिय जीवों का जो पार्थिव शरीर है, मृत शरीर है, वो मांस की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। इसलिए जो शाकाहारी भोजन कहा जाता है, दाल रोटी आदि जो फसलों से हमें प्राप्त होता है, वो मांसाहारी भोजन नहीं, वो शाकाहारी भोजन। मांस कब कहलाता है? दो इंद्रिया जो प्राणी है उनके मृत शरीर को मांस की कैटेगरी में लिया जाता है। क्यों? उसका कारण यही है कि जो त्रस जीव है जब वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनका जो मृत शरीर है उसमें असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। एक इंद्रिय जो जीव है, जो फसल आदि है, वो तो सूख जाए तो फिर उनमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन त्रस जीवों के शरीर में उल्टा है कि जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जीव उससे चले जाता है, तो उसमें और असंग जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। और जिस आकार के जो प्राणी है उस
उस आकार के त्रस जीव वो असंख्य असत्य गुणा जीव वो त्रस में निरंतर उत्पन्न होते रहते। तो त्रस जीवों के घात हिंसा बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती है तथा मांस में निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति भी होती रहती है। माने वो जो एक जीव है त्रस जीव है जैसे गाय है वो तो एक अपने आप में एक त्रस जीव है लेकिन उसके आधार से असंख्य त्रस जीव रहते हैं और असंख्य त्रस जीवों की निरंतर उत्पत्ति होती रहती है। माने वो एक त्रस जीव नहीं एक त्रस जीव के घात में असंख्य त्रस जीवों के घात करने का दोष लगता है। अतः मांस खाने वाला असंख्य त्रस जीवों का घात करता है उसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं। माने इतने जीवों का घात करना बिना क्रूर परिणामों के संभव है कि साहब अंदर में तो बिल्कुल हिंसा के परिणाम नहीं है और बाहर में वो सेवन किया जा सकता है कि अरे जिनके चित्त में वो दया का भाव होता है उनसे वो दृश्य भी देखते नहीं बनते हैं। कितनी बार होता है कभी आपको एक ऐसी जगह से जाना पड़ जाए तो आंखें बंद कर देते हैं नाक बंद कर देते हैं देखना भी पसंद नहीं आता है। तो उनका सेवन करना उनका घात करना तो कैसे संभव। अतः उसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं माने जो त्रस जीव माने मांसाहार करता है मांस सेवन करता है उसके परिणाम भी क्रूर ही होते हैं। आत्महित के इच्छुक प्राणी को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। अंडा भी त्रस जीवों का शरीर होने से मांस ही है अतः उससे भी नहीं खाना चाहिए। आजकल शाकाहार के संबंध में भी दो कैटेगरिया बन गई है कि एक अंडा खाने वाले शाकाहार और एक अंडा नहीं खाने वाले शाकाहार। लेकिन ये बहुत अच्छे से हमें समझ लेना चाहिए कि अंडा भी मांसाहार में ही आता है वही भी त्रस जीव उसमें पाया जाता है इसलिए वही भी मांसाहार की ही कैटेगरी में आता है उससे बाहर नहीं। तो किसी भी प्रकार के मांस का सेवन हो त्रस जीव माने दो इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के जो जीव है तो उनका घात करके सेवन करना वो मांस भक्षण कहलाता है। और मांस भक्षण में उस त्रस जीव का तो घात होता ही है लेकिन उसके साथ साथ उसके शरीर से शरीर के आधार से रहने वाले असंख्य त्रस जीवों का भी घात होता है। ये तो अकेले त्रस जीवों की बात है स्थावर जीवों की तो गिनती ही नहीं माने असंख्य असंख्य अनंत अनंत स्थावर जीव उनमें पाए जाते हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। या तो त्रस जीवों की बात चल रही है कि त्रस जीव भी वो असंख्यात उनके शरीर के आधार से निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं और जो मांसाहार करता है उसके परिणाम क्रूर हुए बिना नहीं रहते। सहज ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है और एक जनरल सामान्य सी बात है कि यदि आपको किसी पशु को मारना है सेवन करना है तो उसके लिए परिणाम तो क्रूर होने ही पड़े करने ही पड़ेंगे बिना क्रूरता के कार्य संभव नहीं। इसीलिए आत्महित के इच्छुक प्राणी को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए कि जो अपने आत्म का हित करना चाहते हैं जो सुखी होना चाहते हैं उन्हें मांस का भक्षण कभी भी नहीं करना चाहिए। अंडा भी त्रस जीवों का शरीर होने से मांस ही है अतः उसे भी नहीं खाना चाहिए। और पंच उदंबर फल कौन से हैं? आठ भूतों में पांच उदंबर फलों का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग। तो मध्य मांस और मधु की त्याग की चर्चा तो हो गई और पंच उदंबर फल कौन से हैं? देखो बड़ का फल पीपल का फल कटुमर पाकर फल और पांच जाति के इन पांच जाति के फलों को उदंबर फल कहते हैं। इसमें एक छूट गया है उमर इसमें नहीं है इस वाले संस्करण में। चलिए
उमर कटुमर पाकर बड़का फल और पीपल का, ये पांच उदम्बर फल कहलाए जाते हैं। इन पांच जाति के फलों को उदम्बर फल कहते हैं। इनके मध्य में अनेक सूक्ष्म स्थूल कृत जीव पाए जाते हैं। ये ऐसे फल हैं जिनमें अनेक सूक्ष्म स्थावर जीव और स्थूल कृत जीव पाए जाते हैं, ठीक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उन्हें भी ना खाए। मानी ये जो पांच उदम्बर फल है, ये हो सकता है उस जमाने में बहुत प्रसिद्ध रहे होंगे, तो उस समय आचार्यों ने इन पांच उदम्बर फलों का वर्णन किया कि उन पांच उदम्बर फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या पाकर, हाँ, उमर कटुमर पाकर बड़का फल और पीपल का फल। पाकर फल क्या होता है? अंजीर। इसमें एक तो जो अंजीर है, अंजीर वो भी एक में आ जाता है। अंजीर तो प्रत्यक्ष व्यक्ति ही है। तो ये ऐसे फल हैं जिसमें फूल सूक्ष्म माने स्थावर जीव और कृत जीव पाए जाते हैं। मतलब जिस समय ये अष्टमूलों का वर्णन आचार्यों ने किया है, उनके समय में पंच उदम्बर फलों का चलन वो प्राय देखा जाता होगा, तो उसको देखकर के आचार्यों ने इन पंच उदम्बर फलों के त्याग की चर्चा की। हम करना चाहे तो जैसे आज के समय में आलू प्याज आदि है, गाजर मूली आदि है, जिनका सेवन प्राय ज्यादा देखा जाता है सामान्य तरीके से, तो उनको हम इसमें गर्भित कर सकते हैं। कि जो जमीकंद आदि पदार्थ है जिनमें अनेकों स्थूल सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कि उनका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार पंच उदम्बर फलों के त्याग की बात भी आई। तो कौन से पांच मूल गुण, आठ मूल गुणों में कौन कौन से हुए हैं? पंच उदम्बर फलों का त्याग और मध्य मास और मंत्र का त्याग, इन्हें तीन मकार भी कहा जाता है कि तीन मकार का त्याग। मकार माने जो मास स्टार्ट होते हैं, मध्य मास और मंत्र, तो तीनों मकारों का त्याग और पंच उदम्बर फलों का त्याग। मैंने प्रवचन में सुना था कि आत्मज्ञान बिना तो इन सबका त्याग कार्यकारी नहीं है, अतः हमें पहले तो आत्मज्ञान करना चाहिए ना भाई। आत्मज्ञान तो सच्चा मुक्ति का मार्ग है ही, पर यह बताओ क्या शराबी कबाबी को भी आत्मज्ञान हो सकता है? माने कोई ये छल ग्रहण करे कि भाई धर्म तो आत्मा का ज्ञान करना है, आत्म स्वरूप में लीला का नाम धर्म है, कोई शराब पिए तो पिए, उससे क्या जाता है? आत्मा का ध्यान भी होगा और शराब का भी सेवन हो। देखिए, आत्मज्ञान तो सच्चा मुक्ति का मार्ग है ही, पर यह बताओ क्या शराबी कबाबी को भी आत्मज्ञान हो सकता है? अतः आत्मज्ञान की अभिलाषा रखने वाले अष्ट मूल गुण धारण करते हैं। माने जो व्यक्ति बाहर में अशुभ क्रियाओं में प्रवृत्त हो, जो इन तीन मकारों का सेवन करे, पंच उदम्बर फलों का सेवन करे, तो उसे आत्मज्ञान भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम अभी इतने क्रूर है कि वो आत्म स्वरूप में स्थित कैसे, जब अन्य जीवों पर दया के भाव नहीं है तो अपने ऊपर दया कैसे करे? अभी तो अपने आप को जीव मानता ही कहाँ है, जब अन्य जीवों को ही जीव नहीं मानते हैं, तो जो हम अपने को तो अनाधिकार से भूले बैठे ही हुए हैं, तो अपने आप की शुद्ध कैसे दे? तो इसलिए जो शराबी कबाबी व्यक्ति है, माने जो इन अष्ट मूल गुणों का सेवन नहीं करते हैं, उनके जीवन में आत्मज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता। तो यदि हम आत्मा को जानना चाहते हैं, आत्मा में लीन होना चाहते हैं, जैनी बनना चाहते हैं, अपने आगे जैन शब्द को सार्थक करना चाहते हैं, तो ये आठ मूल गुणों का पालन तो अपने जीवन में होना ही चाहिए। यदि ये हमारे जीवन में नहीं है तो माने अपना जीवन व्यर्थ है। जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ है, वहां पुण्य का उदय है जो हमें जैन कुल की प्राप्ति हुई है,
और यदि इस जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी इन सच्ची बातों को समझ कर के भी यदि इन आठ मूल गुणों को हमने अपने जीवन में पालन नहीं किया, उनको धारण नहीं किया, तो जैसे अनादि काल से अपन संसार में भटकते आ रहे हैं, वो परंपरा आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार ये आठ मूल गुणों का जो पाठ हमको हमारा पूरा हुआ है। आज का एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। दिनागम में अष्ट मूल गुणों की चर्चा बहुत प्रकार से की गई है, यानी तो एक प्रकार से आठ मूल गुणों की चर्चा की गई है। दिनागम में और भी आठ मूल गुणों की चर्चा आई है, तो वो आपको ढूंढ कर लाना है कि अन्य प्रकार से भी आठ मूल गुणों की चर्चा दिनागम में किस प्रकार से आई है। ठीक है, चलिए। इसलिए तो हम लोग थोड़ा सा और ढूंढने का प्रयास आप करें। जीके की पूरी आपको खुली छूट है, ओपन बुक टेस्ट है ये, तो ओपन बुक होमवर्क है ये, आपको जहाँ से पूछना हो, जिससे पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। और पुरुष वर्ग से भी विशेष निवेदन है कि वो भी प्रयास करें भूलने का। ठीक है, चलिए। सबसे पहले कर पुरुष वर्ग से ही पूछा जाए। गूगल पे मिल जाए क्या? गूगल पे Thank you.